वेलकम टू मॉम्स किचन। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मछली मुंडी के साथ वेजीज डाल के एक सब्जी। इसके लिए जो सामग्री हमको चाहिए वो है सरसों का तेल, मछली की मुंडी ऐसे टुकड़ा दो टुकड़े में आप काट लें और उसको नमक और हल्दी के साथ ऐसे लगा के आप रख लें। छोटे छोटे टुकड़े में कटे हुए जो भाटा होता है वो, छोटे छोटे टुकड़े में कटे हुए आलू, आप चाहें तो इसमें दूसरी सब्जी भी आप यूज़ कर सकते हैं जैसे कि कुमड़ा या फिर तरोई, प्याज थोड़ा सा कटा हुआ, नमक, हल्दी और मिर्ची पाउडर। साथ में आपको चाहिए कुछ हरी मिर्चें, दो तीन सूखी लाल मिर्च और दो तेज पत्ते और पांच फोरन। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप गैस जला लें और इसमें कढ़ाई रख लें। कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें आप डाल लें सरसों का तेल और उसके बाद जब तेल गर्म हो जाए तो आप उसमें जो मछली की मुंडियाँ रखी हुई है उसको अच्छे से लाल करके फ्राई कर लें। आप देख सकते हैं तेल गर्म हो चुका है, अब हम लोग इसमें मछली की मुंडी डाल देंगे और इसको लाल करके फ्राई करेंगे दोनों तरफ पलटा पलटा के। आप देख सकते हैं कि मछली की मुंडी बहुत अच्छे से लाल होके फ्राई हो गई है। आप देखिए इसी तरह से आप इसको लाल करके फ्राई करके निकाल लें। अब आप इस पे डालें जो सूखी लाल मिर्चें थी आपके पास वो और तेज पत्ती। इसको थोड़ा सा हल्का सा लाल भून ले। अब देख सकते हैं लाल भुना गई है। अब इसमें हम लोग डाल देंगे तेज पत्ती। अब इस पर डाल दें आप जो पांच फोरन रखा हुआ है वो, और इसको अच्छे से क्रैकल होने दें। जैसे ही पांच फोरन बहुत अच्छे से क्रैकल कर लेगा इसमें हम लोग डालेंगे जो हमने आधा प्याज काट के रखा हुआ था वो प्याज। और इसको हल्का सा भूनेंगे। जैसे ही प्याज हल्का सा भुना जाएगा उसके बाद हम लोग इसमें बाकी की सब्जियां ऐड करेंगे। देख सकते हैं लाल प्याज हल्का सा लाल पड़ गया है। अब हम लोग इसके अंदर डाल देंगे जो आलू कटे हुए रखे हुए थे वो आलू, और अच्छे से मिला लेंगे। अब साथ में डालें जो कटे हुए भाटा रखा हुआ था वो, और अगर आप दूसरी कोई सब्जी इसमें यूज कर रहे हैं वो भी आप इसी समय डाल लें, जैसे कि कुमड़ा हो गया या फिर तरोई हो गई, आप इसके साथ वो सब सब्जी भी डाल सकते थे। लेकिन मेरे पास फिलहाल अभी सिर्फ आलू और भाटा ही था तो मैं आलू और भाटा डाल के ही आपकी सब्जी बना रही हूँ। आप चाहें तो ये सब सब्जी भी डाल सकते हैं और इसको लाल करके हम लोग थोड़ा सा फ्राई करेंगे, पलटा पलटा के फ्राई करना है। अब इसमें आप डाल दें नमक स्वाद अनुसार, हल्दी और अच्छे से मिला लें और इसको लगातार चलाते हुए आप अच्छे से फ्राई करें जब तक आलू और भाटा थोड़ा सा अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता। अब देख सकते हैं कि सब्जी अच्छे से फ्राई हो गई है। ऐसे ही ढक ढक के आप थोड़ी देर
ऐसे चलाते हुए रह रह के आप इसको ऐसे ही फ्राई कर लें। जब ये सब्जी इतना फ्राई हो जाए, आप देख सकते हैं फ्राई कैसे हुआ है, अब जो हरी मिर्च रखी हुई थी वो आप डाल दें, साथ में ही जो लाल मिर्च रखा हुआ है वो भी आप डाल दें। मिर्ची का यूज इतना करें जितना कि आपको तीखा खाना है, और इसको अच्छे से मिला लें। इसको मिलाने के बाद जो मछली की मुंडी हम लोगों ने फ्राई करके रखी हुई थी उसको डाल लें और सब्जी के साथ अच्छे से मिला लें, और इसको थोड़े से आप ऐसे दबा के तोड़ लें ताकि सब्जी के साथ वो अच्छे से मिल जाए। आप देख सकते हैं कि ये तोड़ के लिए मिल रहा है सब्जी में, इसी तरह से इसको तोड़ के पूरे सब्जी के साथ अच्छे से मिला लें। जब ये पूरा अच्छे से मिल जाए तो इसमें आप डालें हल्का सा पानी, पानी बहुत कम डालें क्योंकि हम लोगों को ये ग्रेवी वाली नहीं चाहिए, ये सूखी सब्जी बनेगी, बस इसको पकने के लिए जितना पानी की आवश्यकता है बस उतना ही पानी डालें और अच्छे से मिलाएं। अब देख सकते हैं अच्छे से मिल गया है, अब इसको ढक देंगे हम लोग और पकने के लिए छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं सब्जी अच्छे से मछली मुंडी के साथ मिल गई है और सब्जी पक भी गया है। आप देख सकते हैं लटपट हो गई है, मतलब हमारी सब्जी जो है वो बनके तैयार है। अब इसको आप उतार लें और गर्मा गर्म सर्व करें। लीजिए, मन चाहे बर्तन पे से निकाल लीजिए, बनके तैयार है मछली मुंडी के साथ सब्जी। इसे ट्रेडिशनल बंगाली में कहा जाता है काटर तरकारी। बनाइए और बताइएगा कैसा लगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा, और जो भी नए विज़िटर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।